शिवसेना बीजेपी कैबिनेट में अजीत पवार होंगे पावरफुल, मिलेगा ये मंत्रालय सीएम शिंदे और फडणवीस को झटका। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के अजीत पवार गुट की एंट्री के बाद सीएम एकनाथ शिंदे एक बार फिर से कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, इसके अलावा उनके समर्थक मंत्रियों को ऊर्जा मंत्रालय जैसे अन्य विभाग मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के लिए यह झटके की तरह होगा, जो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का विरोध करता रहा है। इसकी वजह यह है कि शिवसेना से बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अजीत पवार वाले वित्त मंत्रालय को भी वजह बताया था। शिंदे गुट का कहना था कि अजीत पवार एनसीपी विधायकों के इलाकों के लिए ही फंड देते हैं, बीजेपी क्या समझाने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार ने बीजेपी लीडरशिप से मांग की है कि उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, इसका उनके पास अनुभव है, लेकिन वह होम मिनिस्ट्री और शहरी विकास मंत्रालय नहीं चाहते। एकनाथ शिंदे गुट इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने अपने हिस्से के मंत्रालय ही उसे दिए हैं। शिंदे गुट के सूत्रों का कहना है कि कुल 22 विधायक नाराज चल रहे हैं, यही नहीं कई विधायक तो वापस उद्धव ठाकरे खेमे में जाने के भी प्लान बना रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो एनसीपी को महत्वपूर्ण वित्त विभाग का आवंटन अजीत पवार के लिए एक बड़ी जीत होगी। जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी बैठकों के दौरान अपनी पार्टी के मंत्रियों के लिए महत्वपूर्ण विभागों की पैरवी कर रहे हैं, इससे बीजेपी विधायकों को बड़ा झटका भी लग सकता है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से फडणवीस और शिंदे खेमे के विधायकों के बीच असंतोष की सुगबुगाहट तेज हो गई है।